उन्होंने ये काम किया, एक डोमेन के ऊपर मतलब एक डोमेन का टोटल ऊपर उन्होंने 10 डोमेन को होस्ट करवाया, क्योंकि बैकएंड की वेबसाइट चल रही होती ठीक है, तो वो इस तरह क्यों रिजॉल्व करवाते हैं। ये मुझे नहीं समझ आई क्या एडी, एक बार मैं इंस्टॉल करता हूँ ऊपर फिर डार्ट काम नाम दे देता हूँ, फिर दोबारा एडी की सर्विसिंग चलानी पड़ेगी, ये क्या होगा? ये तो वहाँ से मुझे ठीक करा दें। यहाँ पे बताया करते हैं, यहाँ पे सिर्फ यहाँ के ऑप्शन को समझ लें, यहाँ पे ये करते हैं कि यहाँ पे हम अपनी एक और डोमेन नेम की एंट्री करते हैं ठीक है, दैट्स इट ओके, यहाँ तक क्लियर है ठीक है। अब ये समझ लें कि एंट्री कादी कहाँ से है, ऑप्शन में कभी नहीं पता ये ऑप्शन जो डीएनएस की नहीं 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 जो सब डोमेन्स का ये नहीं नहीं ये कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। अच्छा ये आज देखिए एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन ट्रस्ट में, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन ट्रस्ट में इस तरह की चीजें दोस्तों की पता चलती है, इसका नोट करना आपके पास, अगर आपको नहीं प्रॉपर समझ आई तो आपको ये जरूर आइडिया होगा कि नहीं भी ये काम होता है ठीक है। इसमें आ जाए इसके प्रॉपर्टीज में ठीक है, इसमें एक सेकंड ऑप्शन देखा ठीक है, नेटवर्क डॉक्टर में इसमें नहीं करेंगे सर्वर में, आपने करना कहाँ पे होता है,
जब आपके जो अगर क्लाइंट है ना, उस क्लाइंट की एंट्री करने के लिए आपके उसके नेटवर्क डॉक्टर की प्रॉपर्टी में जाकर उसका डीएनएस वहां पे ऐड कराना होगा। अच्छा, प्रिंट को चलाने के लिए जहाँ पे भी ऐड करवाना है दफा करवा देते हैं, फिर उसके वहां पे भी करवा देते हैं। ठीक है, तो ये काम करते हैं। तो इसको ये पता चल जाता है सर्वर को कि मेरे अंदर मल्टीपल सिफिक्स चल रहे, मेरे अंदर मल्टीपल डिवीजन चल रहे, सिंपल वर्ड से जो बोलते बेसिकली हम सिफिक्स बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उससे ये पता होता है कि मेरे हिराकी में मल्टीपल हिराकी जोर है फर्दर। ठीक है, तो जब मैं अगर सिर्फ टेस्ट से नहीं, अगर मुझे ऑथेंटिकेशन को लेना है टैबलेट से, तो मुझे पता है उसमें एंट्री है टैबलेट्स की, तो मैं उसे ऑथेंटिकेशन दे दूँगा। डोमेन ज्वाइन करते हुए भी हमने यही डोमेन नेम देना है जो ये बनाई हुई है। ठीक हो सर, इसका बेसिक फायदा क्या है? रिसोर्सेज आप चाह रहे हैं, रिसोर्सेज चाहते हैं, क्योंकि देखिए मैंने करके जो कंपनीज ऐसी हैं जो सर्विसेज दे रही हैं मेल सर्वर की या जो वेबसाइट की करते हैं होस्टिंग का, वो यही कॉन्सेप्ट यूज करती है। मैंने कहा कि यार इतनी मतलब अब एक सर्वर है, एक सर्वर हार्डवेयर अगर वो परचेज करे 2-3 लाख का सर्वर है, उसका एक सर्वर ऊपर का वो एक वेबसाइट चलाना पड़ती है। अगर हम डोमेन कहीं अपनी वेबसाइट डोमेन रजिस्टर करा रहे हैं तो क्या इतने सारे सर्वर उन्होंने लगा के इंशाल्लाह कल डीएसपी के साथ मुलाकात होगी। ठीक है।